लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने बहुत कुछ सुना है या फिर हम सबके अपने अपने धारणाएं हैं। अगर इसी लॉन्ग टर्म को हम अच्छे से प्लान नहीं करते हैं तो किस तरह से हमारी वेल्थ हमारे आंखों के सामने गायब हो सकती है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया। ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, आई बटन पर भी उसका लिंक है, आपको देखना चाहिए। ये रहा उसका डार्क साइड जिसके ऊपर बहुत कम लोग जानते हैं या फिर बहुत कम लोग जानना चाहते हैं या फिर बताते हैं। ये तो रहा उसका चीज अगर उसको हम अच्छे से प्ले नहीं करते हैं। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म को अगर अच्छे से प्ले कर तो किस तरह से हमारी एक छोटी सी भी वेल्थ किस तरह से मल्टीफोल्ड हो सकती है। तो उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने शेयर होल्डर को यहां से बहुत ही बड़ा मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दिए हैं। तो दूसरा, हमारा ये भी मानना है जब भी हम किसी कंपनी को डिस्कस करते हैं तो इंस्टेंट हम किसी न्यूज़ आर्टिकल, किसी बिजनेस चैनल या फिर किसी यूट्यूब चैनल को देखें उसकी उस कंपनी को जानने के लिए। हमारा मानना है कि सीधा अगर किसी कंपनी के बारे में जानना है तो सीधा उसी वेबसाइट पर जाना चाहिए जिस कंपनी के बारे में हम जाने, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के बारे में कोई सच और सही बता सकता है तो खुद कंपनी। उसके अलावा जो भी आपको बताएंगे न्यूज एंकर अपने हिसाब से बताएंगे, बिजनेस चैनल अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन आपको उसके वेबसाइट पर जाके खुद देखना चाहिए। तो इसीलिए सीधा उसी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जो कंपनी ने किस्त जो बहुत ही अच्छा अपने रिटर्न बना के दिया अपने सारे के सारे इन्वेस्टर को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपलिन पॉइंट के बारे में। हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना, हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कंपनी क्या काम करती है। ऑल दो आप लोगों को कुछ यहां से आइडिया समझ में आ गया होगा या फिर आइडिया लग गया होगा कि कंपनी फार्मास्यूटिकल के अंदर काम करती है, फार्मा सेक्टर के अंदर काम करती है। यहां से हमने कुछ बेसिक समझा कि सेक्टर क्या है। अभी हम इसको थोड़ा अंदर डीप में जाने की कोशिश करें, समझें। तो कंपनी जो हुई थी ये एस्टैब्लिश हुई थी 1990 में, और उसके बाद जो इन्होंने शुरुआती में जो उनके प्रोडक्ट रेंज थे जिसके अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया, ऑइंटमेंट क्रीम्स के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया था शुरुआती दौर में। उसके बाद कंपनी वॉज लिस्टेड, कंपनी फिर लिस्ट हुई 1990 में फॉर्म हुई थी एंड उसके 1994 में कंपनी लिस्ट हुई थी, यहां पर आप पढ़ सकते हो। और जब इसका आईपीओ आया था शुरुआत में, तब उसका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, आप यहां इजिली पढ़ सकते हो, ओवर सब्सक्राइब हुआ था 117, यानी कि अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब यहां पे हुआ था उस टाइम। तब भी लोगों को पता था इस कंपनी के बारे में और क्लियरली यहां पे देख सकते हो। आपको जान के हैरानी होगी जब इस कंपनी के उस टाइम पे प्राइस निकल के आया था, एक बहुत ही छोटे रेंज से शुरू हुई थी, सम हाउ ये अराउंड 3.5 टू बिटवीन 4 के आसपास, यानी 3.5 से 4 रुपए के आसपास इसका प्राइस निकल के आया था उस टाइम। शुरुआत में कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी शुरू किया था, आप यहां देखोगे तो पौंडीचेरी से शुरू किया था, क्लियरली यहां पे आपको विजुअल हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने जो अपने को एक्सपैंड करना शुरू किया एंड बाद में कंपनी ने जो फोकस किया इमर्जिंग मार्केट के ऊपर भी, इमर्जिंग मार्केट में भी एंट्री करने की, जिसमें निकल के आता लैटिन अमेरिका एंड उसके बाद कैरेबियन एंड साउदर्न अफ्रीका। तो यहां इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपने काम शुरू किया और उसके बाद आज के अगर बात करें, टुडे वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन दिस रीजन विथ ओवर 2800 प्रोडक्ट्स लाइसेंस अक्रॉस द ग्लोबल। तो यहां आप देख सकते हो इस कंपनी के पास एज ऑफ नाउ 28 प्रोडक्ट जो लाइसेंस है वो भी अक्रॉस द ग्लोब की। तो यहां पे एक अच्छी बात यहां पे क्लियरली हमें दिख रही है। कुछ और पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा था कि ये एक फार्मा के बिजनेस में काम करती है, और यहां पे आप देखोगे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडिया में से एक है। क्यों है, कैसे है, वो आप सब देखेंगे। 3.54 के आसपास से पिछले 10 साल में इसका प्राइस था और आज का है वो भी हम जरूर देखेंगे, आगे भी क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। लेकिन उसके बाद अभी आज के दिन देखो 2800 से ऊपर के प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के लाइसेंस है इस कंपनी के पास ओवर द ग्लोब की अगर बात करें। वही कंपनी के ऑलमोस्ट डेट फ्री या फिर डेट फ्री आप कह सकते हो, वो भी हम टेक्निकल या फंडामेंटल चेक करेंगे। अभी की बात करें कंपनी कहां कहां इसका बिजनेस चल रहा है, कंपनी इज एंटरिंग इनटू रेगुलेटेड मार्केट लाइक यूएस, यूरोप, ब्राजील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप देख सकते हो कि कंपनी सिर्फ एक सीमित दायरे में काम नहीं कर रही है। अगर एक क्विक नजर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर नजर डालें, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में अभी काम करती है, तो आप यहां देख पाओगे कुछ उनमें से हम नाम पढ़ेंगे, जैसे कि टैबलेट, लिक्विड ओरल्स, कैप्सूल्स एंड यहाँ पे पाउडर फॉर इंजेक्शन, ड्राई सिरप, यानी कि लिस्ट आपको लिक्विड इंजेक्शंस काफी लंबी मिलेगी। आप इनके वेबसाइट पे एक बार जरूर इनके बारे में देखें, काफी एक अच्छी बेहतरीन कंपनी आपको मिलेगी। इन सब के बाद कंपनी के प्राइस मूवमेंट के ऊपर नजर डालें तो आज के दिन आपको यानी 620-600 के आसपास मिल रहा है, उससे भी ऊपर मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से जो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगर किसी अच्छे फंडामेंटल कंपनी को अच्छे से प्ले किया जाए एज एन इन्वेस्टर, बार बार उसको चीजों को चेक किया जाए, क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल चेंज तो नहीं हो रहे, कुछ बिजनेस मॉडल को चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऐसा रेड फ्लैग तो नहीं बन रहा है, अगर उन चीजों का ध्यान रखा जाए तो इस तरह से हमारी वेल्थ को एक मल्टीफोल्ड हो सकती है। कभी ये कंपनी आज से 10 साल के पुराने आप यहाँ की जब हिस्ट्री चेक करेंगे तो बहुत ही कम रेंज में मिलती थी, यानी जैसे हमने आपको बताया 3.5 to 4 के बीच में, और आज के दिन 620 के, यानी आप यहाँ समझ सकते हो किस तरह से हमने इन्वेस्टर को यहाँ से रिटर्न बना के दिया। अगर हम परसेंटेज के टर्म में देखें तो आप मैक्सिमम के ऊपर आप यहां देख सकते हो किस तरह से 1600 इनटू कर दिया है इन्होंने, उससे भी ऊपर। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ऐसी कंपनी को हमेशा अपने रडार पे रहना चाहिए, और ये आपके सामने इस वक्त उसके लाइफ टाइम का चार्ट भी है किस तरह से ये फ्लक्चुएट होती गई है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के ऊपर ध्यान दें जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को पिक करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि हम ईपीएस देखते हैं, ईपीएस अच्छा होना चाहिए, टोटल डेट जितना कम हो इसके ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हमारे लिए अच्छी बात है, कैश फ्लो कंपनी में होना चाहिए, और उसके बाद कैश फ्लो पर शेयर जो आ रहा है उसके बाद फ्री कैश फ्लो पर शेयर काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमको हमेशा देखनी चाहिए, जो ये बताता है कि कंपनी की जो हेल्थ है वो कितनी अच्छी है, यानी स्ट्रांग है या वीक है। फ्री कैश फ्लो होगा तभी कंपनी एक्सपेंड कर पाएगी, या फिर एटलीस्ट रिजर्व में कुछ तो होगा, फिर चाहे वो इन्वेस्ट कर दे, फिर चाहे ग्रोथ में लगा दे, फिर चाहे कहीं लगा दे, इसके ऊपर हम काफी समझा चुके हैं पुराने वीडियोस में भी फ्री कैश फ्लो क्या होता है, आप चाहे वो जाके भी देख सकते हैं। क्यों कंपनी अच्छी बुरी होती है किसी भी के लिए, उसके पैरामीटर हमें जरूर देखने चाहिए। जैसे कि सेल्स ग्रोथ हमें बताती है 5 साल 3 साल में एक बेहतरीन सेल्स ग्रोथ होती है, पिछले 1 साल में जरूर डिप आई है लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी ने आपको अच्छा परफॉर्म करके जरूर दिखाया, ये आपको समझ आ रहा है। पिछला 1 साल तो जरूर स्पेशल था ही, आगे क्या हो सकता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, ये देखिए कितने बेहतरीन शानदार आपको दिख रहे हैं 5 साल 3 साल 1 साल में, तो यानी 37% 41 और 33 इसे कहते हैं कंपनी की। कुछ इस तरह से अगर जब आप अपनी वॉचलिस्ट बनाते हो, जितने ज्यादा आपके पास इस तरह से कंपनीज होंगी जो फंडामेंटल बहुत ही साउंड होंगी, आप अपने जो पोर्टफोलियो देखो ऑटोमेटिकली हमेशा ग्रीन में ही देखोगे लॉन्ग रन में। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है आरओई, ये भी आप देख सकते हो पिछले 5 साल 3 साल 1 साल में एक बेहतरीन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कोई भी शिकायत की बात है नहीं। अगले जो हमारे लिए होता है आरओसीई, यहां पर भी आप देखोगे जैसी वैसी कंपनी 20 भी टच नहीं कर पाती, यहां आप देख पाओगे 54 यानी 50 को इसने ऑलमोस्ट बिल्कुल ये मेंटेन करके रखा, जो कि बहुत ही शानदार हो जाती है। उसके बाद ये देखिए, ये नंबर हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक अच्छी बात हो जाती है जब भी किसी कंपनी के ऊपर डेट भी ना हो, फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल हो एंड सारे के सारे पैरामीटर भी अच्छे हो, तो उसके बाद शायद हमें उसको कंसिडर जरूर करना चाहिए या फिर अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए। इन सब के बाद हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्रमोटर के पास कितने होल्डिंग, कहीं प्रमोटर ने कुछ ऐसा तो नहीं किया या फिर प्लेज कर रखे हैं, या फिर प्रमोटर ने सारे अपने बेच दिए कंपनी के ऊपर, भरोसा खुद ही नहीं है प्रमोटर को तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए जितने ज्यादा प्रमोटर के पास हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर खुद ज्यादा मेहनत करेंगे अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। यहां पर जो मेजोरिटी शेयर है वो उन्हीं के पास है, 69 के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात होती है हमारे लिए। पब्लिक की अगर बात करें तो यहां देखो 29 के आसपास है एंड डीआईएस के पास हुए, यही बात है यहां पर जो बड़े डीआईएस एंड एफआईएस है उन लोगों ने अभी तक इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, 1.28% सिर्फ आसपास जो है वो डीआईएस ही हैं और ज्यादा लोग कोई है नहीं। बाकी प्लेज किसी भी तरह को कंपनी के ऊपर जो प्रमोटर ने है कोई भी शेयर प्लेज नहीं कर रखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और जो 1. जो उससे ऊपर जो शेयर जो म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं उनमें से जो जिन म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट किया है वो है फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ, उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ये भी आप देख सकते हैं कौन से म्यूचुअल फंड ने किस में इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने जरूर देखा लेकिन सिर्फ 2020 के देखें किसने क्या बेचा किसने खरीदा, तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उसको इंटैक्ट रखी है, लेकिन जो एफआईएस के पास थे पहले जून में उनके 3 के आसपास थे, अभी उन्होंने करते करते प्रॉफिट बुकिंग यहां पे जरूर कर दी है, लेकिन डीआईएस ने उल्टा किया है, यहां इन्होंने बिल्कुल पहले कम थे अभी धीरे धीरे उन्होंने अपने यहां देख लो पहले यहां बढ़ाई फिर यहां और उसके बाद मार्च आते थे उन्होंने अपने होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा दिया। पब्लिक के पास काफी सारे पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है इसमें, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है। कितनी अच्छी कितनी बुरी किसी भी कंपनी को तो नाम देख के हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो चीजें पता चलती हैं वो हमें चलती हैं बैलेंस शीट से, तो उसको जरूर हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम देख के अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिलायंस के काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनके ऊपर आगे रिलायंस लिखा हुआ है,
आज वो नीचे बिल्कुल पेन स्टॉक या फिर बिल्कुल ही नीचे हैं, उसके ऊपर भी जो हमने वीडियो बनाया आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए नाम के ऊपर ध्यान नहीं जाए, काम के ऊपर देखते हैं। यहां देखोगे आप सेल्स के ऊपर 540 पहले था 18 में, उसके बाद 650, उसके बाद 800 और उसके बाद 1000 से प्लस, यानी कि सेल्स अच्छी खासी आपको बढ़ रही है। वो हमने जो रेशियोज थे उन फॉर्म में भी देखे। हमारे लिए उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, आप यहां देखोगे 195, 232, 261, 329, कहीं भी हमको कोई ऐसा डिप नजर नहीं आई। नेट प्रॉफिट 145, 177, 215, 242, यानी कि अप एंड अप की सीरीज बनी हुई है। ऐसे में अगर जानकारों की माने तो अगर 100% इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है, आपको क्या करना है, आपको थोरेली एक एनालिसिस करनी है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अब इस कंपनी के प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करें। अब यहां आप देखोगे इस वक्त इसका कैपलिन पॉइंट का 1 वीक का चार्ट ओपन है आप सभी के सामने। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये था समहाउ, यानी कि जब 17 में, ये 17 का चार्ट है, ये 17 में इसने एक हाई लगाया था, उसके बाद ये शेयर थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ चुका था अप्रैल तक, यानी जब जब मार्च का करेक्शन आया था पिछले साल तब तक ये करेक्शन था, उसके बाद इसमें एक अपमूव चालू हो चुका है। यहां आप देखोगे किस तरह से एक अपमूव आया एंड उसके बाद बीच में एक बार 700 लेवल का टच किया, अभी फिर से एक करेक्शन आया, अभी फिर से अगेन ये उस लेवल के आसपास आ चुका है। अभी जिस लेवल के आसपास बिल्कुल वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा जो निकल के आ रहा है। पहला यहां से जो टारगेट निकल के आ रहा है हमारे लिए 700 का लेवल का निकल के आ रहा है। तो उसके बाद अगर ये 700 ब्रेक होता है जो इसका प्रीवियस यानी 2017 या 18 में इन्होंने लगाया था, उसके बाद ये अपनी जो अपट्रेंड की जर्नी चालू कर सकता है। यहां तो हमें मोटा मोटा चीजें समझ में आ गई, जरा वनडे में देखते हैं फिर हमें और चीजें समझ में आएगी। अभी यहां देख सकते हो वनडे का चार्ट ओपन है हम सभी के सामने। ये लो लगाने के बाद 2021 की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल की ये बात है। उसके बाद आप यहां देख सकते हो किस तरह से वन साइडेड की इसमें रैली चल रही है और अभी भी बिल्कुल 600 का जो इंपॉर्टेंट ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है 600 का, इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। अगर ये 600 को सस्टेन करता है, ऑल्दो कर सकता है, पॉसिबिलिटी लग रही है, अप ट्रेंड में है, उसके बाद बहुत जल्दी जैसे हमने वीकली के फॉर्म में देखा 700 का एक लेवल है जो इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा और 700 ब्रेक होते ही अगेन ये अपने अप ट्रेंड की जर्नी शुरू कर सकता है। तो आप समझ सकते हो जब किसी अच्छे फंडामेंटल कंपनी में जब हम प्ले करते हैं अच्छे से, उसको बार बार टाइम एंड अगेन हर साल क्वार्टर एंड क्वार्टर पर बेसिस पर हम उसको रिव्यू करते हैं तो कम है, किस तरह से रिटर्न मिलते हैं वो इस कंपनी ने बता दिया। समहाउ आप ये समझ लीजिए 3.5 से और आज के दिन हमें मिल रहा है 6.24, तो किस तरह से ये जर्नी रही है आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास भी इस कंपनी के शेयर हैं या फिर आईपीओ में अप्लाई किए हैं तो आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जानना इस चीज के बारे में। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करके हमें बता सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स तो ओपन है आप सभी के लिए। डीमैट अकाउंट नहीं है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आपको पार्ट बन सकते हैं हमारे प्राइवेट चैनल का, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और उसके बाद भी कुछ भी नहीं करना है, इस शेयर को रडार पे तो रख ही सकते हैं, अच्छा वेल्थ बना के दे देगा।